नमस्कार। फिलहाल हम भी कहीं ना कहीं यूपी में मौजूद हैं और यूपी में जिस प्रकार से रात को घटना हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता कि अब हर कोई उस घटना से वाकिफ हो चुका है। कोई बाकी नहीं है, हर कोई वाकिफ हो चुका है। और अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो यूपी में धारा 144 पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार का कोई उपद्रव, किसी प्रकार का कोई अनहोनी उत्तर प्रदेश में न घटे किसी भी लोगों के द्वारा, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के लोगों के द्वारा। इसको लेकर के ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा धारा 144 लगा दी गई है। और आपको एक चीज़ बताएं तो जिस प्रकार से कल यानी कि अतीक अहमद और उसके भाई दोनों की हत्या हुई है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक खुलासा का कहें या फिर क्या चीज़ कहें, ये तो खैर प्रशासनिक चीज़ है और इस पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ यह स्पष्ट होता है, एक चीज़ ये साफ होता है कि मेडिकल के लिए प्रयागराज जो मेडिकल है वहाँ पे ले जाया जा रहा है अतीक को और उसके भाई को। लेकिन साथ में वहीं पे पत्रकार से वार्ता करने के दौरान, पत्रकारों से बात करने के दौरान अतीक के सर में सटा करके किस तरह से गोली मारी जा रही है, शायद आप देखे होंगे। और उस वो वीडियो किस तरह से तेजी से वायरल हो रहा है, इससे भी आप वाकिफ होंगे। लेकिन एक चीज़ ये चीज़ क्लियर है तो कहीं ना कहीं तीनों जो आए थे वो कहीं ना कहीं पत्रकार बन करके आए थे, तो ये तो स्पष्ट हो चुका है। और यह स्पष्ट होने के साथ उसी समय उन लोगों की गिरफ्तारी यूपी पुलिस ने कर ली, यानी प्रयागराज पुलिस ने, और उन तीनों से पूछताछ जारी है और पूछताछ चल रही है। एक चीज़ ये ज़्यादातर अब चल रहा है कि जब उन्होंने हत्या की, जब उन्होंने गोली मारा तो उन्होंने जय श्री राम का नाम लिया, और वो वीडियो में स्पष्ट दिख भी रहा है, सुनाई भी दे रहा है कि जय श्री राम बोल रहे हैं। इस तरह से दो दिन पहले अतीक के बेटे को मारा जाता है पुलिस एनकाउंटर में, और दो दिन के बाद कहीं अतीक और उसके भाई दोनों को, अशरफ को, दोनों को भी ख़त्म कर दिया जाता है। और ये क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अब कोर्ट जाने का सिस्टम उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो रहा है या कोर्ट ही बंद हो रहा है, ये तो खैर जनता का निर्णय और उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं घटित हुई और जिस प्रकार से बीते दो दिन से मैं भी उत्तर प्रदेश में हूँ, जो अभी कल से जो घटना हुई है, कल मैं लखनऊ में था, जिस प्रकार से स्थिति थी पूरा, मतलब आपको बताएं तो लखनऊ में चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई। जैसे ही ये हत्या की न्यूज आई उसके बाद पूरी उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर दिया गया, पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को अलर्ट कर दिया, चौक चौराहे हर जगह। रात को मैं 12:30 बजे देखा था कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन अपने जो भी सिपाही है, जो भी अफसर है, जो भी उनके स्टाफ है, सारे को रोड पर उतार दी थी, और जगह 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 कहीं ना कहीं हर चौक चौराहा पर पुलिस नजर आ रहे थे। और फिलहाल मैं यहाँ भी आया हूँ तो यहाँ भी वही चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, पूरी तरह से पुलिस प्रशासन लगी हुई है। और 144 लग गया है तो 144 लगने का मतलब है कि सीधी सी बात है कि उसको उस परिस्थिति में लगाया जाता है 144 को, जब शायद कोई चीज़ कंट्रोल करने के लिए ना हो या फिर कहीं ना कहीं उसके अलावे किसी प्रकार की अनहोनी की घटना जब सामने दिखाई देती हो, सामने ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये घटना फिर से पुनः दोहराई जा सकती है, तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं 144 लगा दी जाती है। और 144 बिल्कुल उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश में लगा दी गई है। और उत्तर प्रदेश का माहौल अभी जो है, पुलिस प्रशासन साफ चौबंद व्यवस्था के साथ है, हर जगह व्यवस्था में है, और पूरी तरह से जो यानी कल हुआ है वो एक पूर्व बाहुबली सांसद था, इसमें कोई दो राय नहीं है, अतीक अहमद पूर्व बाहुबली सांसद, और पहले गैंगस्टर से फिर राजनीति से फिर कहीं ना कहीं जिस तरह से एक चीज़ आपको स्पष्ट करे तो जिस तरह से अतीक अहमद को गुजरात से यहाँ लाया गया, यानी कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, इस तरह से मीडिया ने कवरेज किया था, डिग पल पल पल, यहाँ तक कि वो पेशाब कर रहा था उसकी भी कवरेज की गई थी, आप देखे होंगे, तो इस तरह से कवरेज किया गया था। कल मीडिया के सामने ही किस तरह से हत्या कर दी गई, आप सभी से वाकिफ और आप सभी इस चीज़ को देखे होंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ये भी आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उन तीनों को पकड़ लिए, लेकिन एक सवाल अभी भी ये लोग उठा रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि आखिरकार में पुलिस की मौजूदगी में ये हत्या कैसे होगी, ये सवाल उठाया जा रहा है बहुत सारे सामाजिक तौर पे, बहुत सारे पार्टी के लोग, बहुत सारे सोशल मीडिया पे, ट्विटर हैंडल पे, बहुत सारे जगह पे ये देखने को मिल रहा है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आखिरकार में उतने रात को कैसे हत्या कर दी गई, ये सवाल अभी भी है।
तो ये चीज़ है, और ये चीज़ होने के साथ मेरी अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ, जितने सारे हमारे यूपी के साथी हो या फिर जो लोग बिहार से या अन्य प्रदेश से यूपी आना चाहते हो, प्लीज़ अभी माहौल खराब है, और माहौल खराब होने की वजह से आप ना आए, क्योंकि यहाँ पे 144 लगा हुआ है, और 144 लगने का मतलब स्पष्ट है कि बस आप 3 आदमी से ज़्यादा कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते और ना कहीं जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको डिटेल्स में हम लेकर के चले, यानी कि अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार मारने वाले कौन लोग थे जिन्होंने अतीक अहमद से उनकी दुश्मनी किया थी, किस कारण से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लोग मारे थे, ये सवाल अब खड़ा हो रहा है। तो इस सवाल का जवाब मैं लेकर आया हूँ आप सभी के बीच। अतीक और अशरफ को जिन लोगों ने गोली मारी है उनका नाम है लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, ये 3 लोग हैं। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, लवलेश तिवारी, सनी और अरुण मौर्य, ये 3 लोग हैं जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ यानी कि दोनों भाइयों की हत्या की, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, ये आप भी देखे होंगे और वो वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखा भी होगा। तो ये 3 नौजवान थे जिन्होंने कहीं ना कहीं जय श्री राम मारने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, और नारे लगाने के बाद ऐसा उनको प्रतीत हुआ कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा काम किए हैं, और पता नहीं उनके जहन में क्या थी क्या नहीं थी, ये तो खैर रोज आने, और फिलहाल ये चीज़ भी सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है कि पूछताछ जो है पुलिस कर रही है कि आखिरकार में तुमने मारा क्यों, क्या कारण था, क्या दुश्मनी थी, ये सारा चीज़ पुलिस पूछताछ में लगी है, और पुलिस पूछताछ करने के बाद खुलासा भी करेगी, जैसे जैसे पुलिस के पास जानकारी आ रही है वैसे वैसे पुलिस खुलासे करती जा रही है। चलिए बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, फेसबुक पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।